गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, जनाब कुतुबुद्दीन मुअल्लिम बॉयज प्राइमरी स्कूल, कक्षा 4, विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, इसके आगे वाले वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में पार्ट 6 टपका का डर, इस पाठ का स्वाध्याय पोथी कार्य प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक का कार्य हमने किया था। आज हम प्रश्न 5 का ब विभाग देखेंगे। सूचना देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक विषय के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। इसमें नंबर 1, मोर। पक्षियों में मोर सबसे सुंदर होता है, इसके माथे पर कलगी होती है, इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं, इसकी आवाज़ मधुर होती है। वर्षा के दिनों में मोर म्याऊं म्याऊं करता है, बादल देखकर मोर नाचने लगता है, मोर पेड़ पर रहता है। मोर हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार आपको यहाँ दिए हुए विषय पर 5-7 वाक्य लिखने हैं। इसमें नंबर 2, आगे बाघ। बाघ एक जंगली जानवर है, वह सिंह की तरह भयानक होता है, उसका रंग गहरा पीला होता है, उसके शरीर पर काली धारियां होती है, वह अंधेरे में भी देख सकता है। बाघ मांसाहारी प्राणी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय प्राणी है। बाघ को हम चिड़ियाघर में देख सकते हैं। इसके बाद नंबर 3 है तोता। तोते के विषय में हमें लिखना है। देखते हैं, तोता एक सुंदर पक्षी है, इसका रंग हरा होता है, इसके गले में काली धारी होती है, इसकी चोंच लाल होती है, वह आगे से मुड़ी हुई और नोकदार होती है। तोते की आवाज़ मीठी होती है, लोग इसे पालते हैं। तोते को हरी मिर्च और अमरूद बहुत पसंद है। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 10 वाक्यों में लिखिए। देखिए, यहाँ चित्र दिया हुआ है और चित्र में क्या क्या दिखाई देता है, उसके आधार पर हमें चित्र देखकर वाक्य बनाकर वाक्य में वर्णन लिखना है। देखिए, यहाँ जो चित्र है, कौन सा चित्र है, मेले का चित्र है। तो इस विषय पर हम देखते हैं चित्र में क्या क्या है। देखिए, यह मेले का चित्र है। देखिए, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, बराबर है। मेले में तरह तरह की दुकानें लगी हुई है। मेले में बच्चे, जवान और बूढ़े लोग हैं। मेले में एक सपेरा खेल दिखा रहा है। देखिए, यहाँ पर सपेरा खेल दिखा रहा है। आगे क्या है,
एक जादूगर भी अपना जादू दिखा रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेच रहा है। देखिए यहाँ गुब्बारे वाला है और गुब्बारे बेच रहा है। दो चकडोल भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग चकडोल में बैठकर मज़ा उठाते हैं। देखिए यहाँ चकडोल और लोग उसमें बैठे हुए हैं और मज़ा उठा रहे हैं। आगे एक और दो घोड़े खड़े हैं। लोग मेले में घुड़सवारी का भी मज़ा उठा सकते हैं। बराबर है। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों यहाँ मेले का चित्र है और इस प्रकार मेले का जो वर्णन है चित्र में देखकर लिखना है। बराबर। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। उदाहरण में क्या है? बिल्ली, तो बिल्लियाँ, यानी यहाँ हमें एक वचन दिया है और उसका बहुवचन बनाया गया है। बिल्ली यानी एक बिल्ली और बिल्लियाँ यानी एक से अधिक, और उसके आधारित वाक्य। पहले एक वचन का जो वाक्य है वो, और उसके बाद बहुवचन का। देखिए पहला नंबर 1, मेरे घर में बिल्ली है। उसके बाद दूसरा वाक्य देखिए, मेरे घर में बिल्लियाँ हैं। विद्यार्थी मित्रों एक वचन और बहुवचन पर आधारित वाक्य लिखने हैं। देखिए यहाँ अब हम देखेंगे नंबर 1, यहाँ है मक्खी, तो उसका बहुवचन मक्खियाँ। अब उस पर आधारित वाक्य, मक्खी रोग का घर है। और उसके बाद देखिए वाक्य, मक्खियाँ गंदगी में रहती हैं। नंबर 2, लड़की, तो उसका बहुवचन लड़कियाँ। वाक्य देखिए, यह मोहन चाचा की लड़की है। और उसके बाद का वाक्य, रहीम चाचा को 3 लड़कियाँ हैं। बराबर। नंबर 3, रोटी, बहुवचन रोटियाँ। इसका वाक्य देखिए, तुषार ने 1 रोटी कुत्ते को खिलाई। इसके बाद तनीष ने गाय को 3 रोटियाँ खिलाई। नंबर 4, चूड़ी, जो हाथ में पहनते ना, उसका बहुवचन चूड़ियाँ। वाक्य देखिए, अरुणा 1 ही चूड़ी पहनती है। कितनी चूड़ी पहनती है? 1। इसके बाद शिल्पा 2 चूड़ियाँ पहनती है। बराबर। इस प्रकार एक वचन और बहुवचन के वाक्य लिखने हैं। प्रश्न नंबर 8, सोचिए और उत्तर लिखिए। यहाँ जो प्रश्न है आपको सोचकर उसके जवाब यानी उत्तर लिखने हैं। उसमें नंबर 1, तुम्हारे गांव में कैसे कैसे घर हैं, तो उसका उत्तर लिखेंगे, मेरे गांव में मिट्टी के, सीमेंट के और झोपड़ी जैसे घर हैं। नंबर 2, तुम्हारा घर किन किन चीज़ों से बना है, तो मेरा घर मिट्टी, पत्थर, खपरेल, सीमेंट आदि से बना है। इसके बाद है तीसरा, छप्पर किन किन चीज़ों से बनता है, छप्पर यानी छत घर की, झोपड़ी की। छप्पर घास, फूस, खपरेल और लकड़ियों से बनता है। चौथा सवाल, बरसात के मौसम में क्या क्या होता है, बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, बारिश होती है और कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। पांचवा सवाल, ओले पड़ने पर तुम क्या करते हो, ओले पड़ने पर हम उन्हें झेलते हैं, खाते हैं और उनसे खेलते हैं। नंबर 6, ओले पड़ने पर क्या नुकसान होता है, तो
उत्तर लिखेंगे ओले पड़ने पर कच्चे घरों की छत को और फसल को नुकसान होता है। सातवां सवाल, बुढ़िया मन ही मन क्यों झुंझला रही है। झुंझलाना यानी क्रोध करना। देखिए, चूल्हे पर पानी टपकने से बुढ़िया मन ही मन झुंझला रही है। हमने पाठ में देखा, इस प्रकार जवाब लिखेंगे। नंबर 8, बाघ सिर पर पैर रखकर क्यों भाग गया। तो उत्तर, बुढ़िया ने कहा, मैं बाघ से नहीं टपका से डरती हूँ। यह सुनकर बाघ ने सोचा, टपका मुझसे बड़ा जानवर होगा। यह सोचकर बाघ भाग गया। बराबर, आगे देखिए प्रश्न नंबर 9। नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी लिखिए। देखिए, यहाँ नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, एक जंगल और शेर चित्र दिए गए हैं और चित्र को देखकर हमें उसके ऊपर से कहानी लिखनी है। तो देखिए, पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, एक शेर जंगल में रहता था, बराबर, और वो सो रहा था, बराबर, और उसके बाद यहाँ देखिए दूसरा चित्र है, तीसरा चित्र है। हम कहानी शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन वह सो रहा था। उस समय एक चूहा अपने बिल से निकला। वह शेर के शरीर पर दौड़ने लगा। इससे शेर की नींद टूट गई। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को पकड़ लिया। देखिए यहाँ चित्र में, और दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे हम, चूहे ने शेर से कहा, कृपया आप मुझे छोड़ दीजिए, कभी मैं आपके काम आऊँगा। शेर ने हंसकर चूहे को छोड़ दिया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद शेर एक शिकारी के जाल में फंस गया। यहाँ देखिए, शेर शिकारी के जाल में फंस गया है। अब उसे कौन बचाएगा? चूहा। तो चूहे ने शेर को जंगल में फंसा हुआ देखा। चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा। उसने जाल को उतर डाला। देखिए यहाँ जाल में फंसा हुआ है, और जाल में जब शेर फंसता है तो चूहा उसे काम आता है। चूहा उसी जाल को कुतर देता है और शेर आज़ाद हो जाएगा। बराबर, देखिए यहाँ शेर जाल से मुक्त हो गया। शेर ने चूहे का आभार माना, उसका आभार कि उसने उसे जाल से, चूहे ने शेर को मुक्त करा। बराबर, तो बोध क्या होगा, कभी छोटे प्राणी भी हमारी बहुत मदद करते हैं। चूहा कितना छोटा प्राणी है, और जब शेर जाल में फंस गया तो कुछ नहीं कर सकता था, फिर भी चूहे ने उसे मदद की। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार आपको स्वाध्याय पोथी कार्य प्रश्न नंबर 9 तक लिखना है। यहाँ पाठ 6, टपका का डर, इस पाठ का स्वाध्याय पोथी कार्य पूर्ण होता है। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद हम आगे देखेंगे, आपको अच्छे अक्षरों से स्वाध्याय पोथी कार्य करना है।
थैंक यू।